संस्था सेवा सुरभि और इंदौर प्रेस क्लब द्वारा कैसी हो परिषद हमारी विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इसमें राजनीतिक नुमाइंदों, शहर के बुद्धिजीवियों, सामाजिक संगठन के प्रतिनिधियों और शहर से सरोकार रखने वाले शामिल हुए। इस परिचर्चा में भावी परिषद को लेकर सभी ने अपने विचार रखे। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन की अध्यक्षता में इस परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा में भावी परिषद को लेकर सभी ने अपनी बातें रखी, जिसमें शहर से जुड़े विभिन्न मुद्दे व उन पर सुझाव सामने आए। अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव ने नगर पालिका के गठन की जानकारी साझा करते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि 1956 में हम नगर पालिका से नगर पालिका निगम हुए। 1956 में पूरे मध्य प्रदेश को नगर पालिका अधिनियम भी मिला। एकमात्र ऐसा शहर जहां IIT और IIM दोनों है। व्यापार की दृष्टि से मध्य भारत हो या मध्य प्रदेश हो, ये उसकी राजधानी है। लगभग 550 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई हमारे शहर की गलियां किस और जाए, इसका संवाद हम करने वाले हैं। लेकिन अगर इसके इतिहास को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो 1870 में पहली बार नगर संरचना या नगर पालिका के गठन, ऐसा विचार उस समय आया और 1870 में पहली बार नगर पालिका इंदौर में हो, ऐसा तय हुआ। धीरे धीरे 1906 में पहली बार तत्कालीन नगर पालिका ने यहाँ पावर हाउस की स्थापना की और बिलावली तालाब से हमको पानी मिलने लगा। और 1912 में, ये बहुत गंभीर बात है कि दुनिया में जब भारत अंग्रेजों के कब्जे में था, तब 1912 में देश में पहली बार चुने हुए लोगों ने अपने प्रतिनिधि को चुनकर इंदौर में नगर पालिका का गठन किया। तो भारत में ये पहला ऐसा शहर है जिसने चुनकर अपने प्रतिनिधियों को नगर पालिका में भेजा और उन्होंने शहर के विकास, उसकी अधोसंरचना और बाकी तमाम मुद्दों पे चिंतन शुरू किया। देश आज़ाद हुआ, मध्य भारत से हम मध्य प्रदेश हुए और मध्य प्रदेश हम हुए सन 1956 में। उसी 1956 में हम नगर पालिका से नगर पालिका निगम हो गए, वी बिकेम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। पहले हम म्युनिसिपैलिटी थे। उसी 1956 में पूरे मध्य प्रदेश को नगर पालिका अधिनियम भी मिला। तो मैं दो तर्कों से इस विषय को प्रतिपादित करने की इच्छा रखता हूं। एक, चुने हुए प्रतिनिधियों की परिषद के प्रति क्या भूमिका है। दूसरा, जो नगर पालिका अधिनियम हमारा है, उसी के माध्यम से परिषद का संचालन हो सकता है। बीजेपी प्रवक्ता गोविंद मालू ने कहा कि हम अगर चुनकर आए हैं तो हमारा अधिकार क्या है और हमारा दायित्व क्या है, इसका भान और जानकारी के लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम परिषद में शुरू होते ही बनाना चाहिए। इस शहर का मिजाज है कि दलगत पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर, राजनीतिक आग्रहों से ऊपर उठकर, और इसने हमेशा विकास और शहर की बेहतरी के लिए नए मुकाम और नए प्रतिमान खड़े किए, चाहे नर्मदा लाओ आंदोलन हो, चाहे कोई दूसरी बात। अभी जो बाधित हुई है चीज़, उसमें सबसे बड़ी बात निकल कर आई है संवाद की कमी। आने वाली परिषद अच्छे पार्लियामेंट्री उसमें से निकले, इस हेतु तो प्रयास करेगी। अच्छे पार्लियामेंट्री इस परिषद ने 1983 में जो दिए, वो प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। तो हम अगर चुनकर आए हैं तो हमारा अधिकार क्या है और दायित्व क्या है, इसका भान और उसकी जानकारी के एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम परिषद के प्रारंभ होते ही बनाना चाहिए। नियम कानून कायदों की बात हुई कि अधिकार लेना है या अधिकार नहीं मिल रहा है। कुछ मित्र जी ने बताया कि धारा सेक्शन 37 में
इस तरह से मैरिज काउंसिल को अधिकार है, अधिकार का तो पहचान हमको करना पड़ेगी कि कैसे अधिकार को हम इनहेंस कर सकते हैं, उसको विस्तारीकरण कर सकते हैं। कई सारी बात आई कि कई रिपोर्ट्स आई, कई सारे एजेंसीज को काम दिया गया, उनकी रिपोर्ट पढ़ के भी खोल के भी नहीं देखी गई। हमारे शहर का मिजाज है, हमारे शहर में कई सारे ऐसे विद्वान जन हैं जो निशुल्क रूप से सलाह भी दे सकते हैं और वो यहाँ के वातावरण और यहाँ के आवश्यकता के अनुसार उस योजना को ढाल के और जनता को उसके साथ सहभागिता भी जोड़ सकते हैं। विश्व हिंदू परिषद की प्रांत उपाध्यक्ष माला सिंह ठाकुर ने कहा कि लंबे वक्त से कॉलेजों में चुनाव नहीं होने से वह नेतृत्व नजर नहीं आ रहा है। लीडरशिप की एक बात आई थी कि अभी बहुत लंबे समय से स्कूल कॉलेज में चुनाव नहीं हो रहे, तो महाविद्यालयों में चुनाव नहीं हो रहे, तो मुझे नेतृत्व है वो नहीं दिखाई देता। अभी यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने कॉलेज के दिनों में चुनाव लड़ा करते थे और उसके बाद शहर को बहुत सशक्त नेतृत्व उन्होंने दिया है, तो अभी कहीं ना कहीं उस तरीके की जो लीडरशिप है उसका अभाव दिखाई देता है, उसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। तीसरी चीज है कि पिछली परिषद के समय कमिटमेंट हुआ था कि बहुत सारे नए लोग जो है वो पार्षद चुनकर के आते हैं या जो समिति बनती है उसमें आते हैं, तो किस प्रकार से काम करना, कौन सा पैसा जो है आपको राज्य सरकार देगा, ऐसा कौन सा मद है जो केंद्र सरकार देगा, ऐसी भी कोई फंडिंग होती है जो पीपीपी मॉडल पे हो सकती है तो क्या हम उसका भी उपयोग कर सकते हैं। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं, पार्षद बहुत सारे यहाँ बैठे हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में प्रयास किया है कि मोहल्ला क्लिनिक चलाना है, स्वास्थ्य शिविर लगाना है, बहुत कुछ किया है, लेकिन उसकी जो संख्या है वो बहुत कम है। जब हम उसके बारे में व्याप्ति देखते हैं तो वो बहुत छोटी है, तो वो कैसे बड़े स्तर पर हो सकता है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बस्ती का क्षेत्र बहुत ज्यादा है, तो सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं लेकिन जो बस्ती में रहने वाले व्यक्ति है उसको उस योजना के बारे में जानकारी नहीं है। तो ऐसे छोटे छोटे काम जिसकी अपेक्षा जो आम व्यक्ति है वो करता है कि सभी योजनाओं का पूरा की पूरा जो फायदा है वो नीचे तक मिले, उसकी जानकारी नीचे तक हो, जागरूकता नीचे तक हो। इसके अलावा जो एक बात ध्यान में आती है वो ये है कि जब भी अगर ऐसी कोई, अभी जो पुष्पमित्र भैया बोल रहे थे उन्होंने कहा कि कोई भी सार्गर्भित बात निकल करके बैठक में नहीं आती, तो क्या ये संभव है कि अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले सामाजिक क्षेत्र के प्रतिनिधि या कोई विशेषज्ञ जिनकी उस पर विशेषज्ञता है, तो उन लोगों को हम उसमें कहीं ना कहीं ऐसा कोई एक सत्र होना चाहिए जिसमें ऐसे लोगों की भूमिका जो हो, जैसे यातायात की जब बात करते हैं, शहर में पर्यावरण की बात करते हैं, शहर का स्वच्छता का विषय आया, शिक्षा का बहुत बड़ा जो है क्षेत्र हमारा शहर है, आज हम 40 लाख के आसपास की आबादी है, 5 लाख से ज्यादा बाहर के बच्चे यहाँ पर रह करके शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, तो जो संस्कृति का विकृतिकरण है इसकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हम लोगों की है। पूर्व महापौर उमा शशि शर्मा ने कहा कि शहर के प्रबुद्ध जनों के साथ बैठकर आगे के काम को तय करना चाहिए। यहाँ की जनता से जुड़ने के लिए सबसे पहले तो समय समय पर पत्रकारों के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि पत्रकार पूरे शहर की नब्ज निकाल के लाते हैं और वो आपको सही राय दे सकते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो एक तो सबसे पहले पत्रकारों के साथ बैठना चाहिए, पूरे शहर के प्रबुद्ध जनों के साथ समय समय पर बैठ कर जो भी हमारी नई योजनाएँ आती हैं, चाहे वो अमृत योजना हो, स्मार्ट सिटी हो, उन सब लोगों को लेकर आगे हम किस प्रकार आगे काम कर सकें उनकी भी राय पूरी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो चाहे जो भी मेयर बने और जो पार्षद बने उनका अपना कर्तव्य है कि वो अपने शहर के साथ, तो जिस प्रकार हमने सफाई के अंदर सबको जोड़कर और आज देश में अपना नाम प्रथम किया, एक समय था कि जब हम जन सहयोग से काम करते थे तो जब जहाँ मेयरों की होती थी कॉन्फ्रेंस तो उसमें हम जब बात करते थे कि हमने हमारा शहर जनसहयोग से काम करता है। पार्षद दीपक जैन ने कहा कि जनता क्लिनिक की जानकारी देते हुए वार्ड कार्यालय को मजबूत करने की बात कही। ये नगर निगम तक पहुंचना पड़ता है, ये विकास के कामों के लिए वार्ड की जनता को जाना पड़ता है, तो वार्ड कार्यालय मजबूत बने उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। कामों का डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए आने वाली परिषद काम करे, ऐसा मैं चाहता हूँ। और ट्रैफिक की कई सारी बात आई है, तो जो हम आउटर ट्रैफिक अगर उसको ठीक करेंगे, रिंग रोड हो गया, बाईपास हो गया, तो निश्चित तौर पर जो हमारा अंदर का सर्कल ट्रैफिक का वो मजबूत बनेगा।
मोहल्ला क्लिनिक की बात है तो मैं जानकारी देना चाहता हूँ, कुछ लोगों को जानकारी भी होगी कि मैंने अपने वार्ड की बस्ती में जनता क्लिनिक शुरू किया। पिछले 3 वर्ष से वो चल रहा है, प्रतिदिन 40 से 50 पेशेंट वहाँ आते हैं, 10 रुपये शुल्क है, और आप जैसे जो शहर के प्रबुद्ध वर्ग हैं उसमें दवाइयों में हमारा सहयोग करते हैं, प्रति महीने 22 से 25 हज़ार की दवाइयाँ हमको लगती हैं जो निःशुल्क समाज के सहयोग से हमें प्राप्त हो रही है। तो लगातार वो जनता क्लिनिक वहाँ पर कार्यरत है, कभी भी आप जाकर देखिए इंदिरा नगर में पंचकुला मुक्तिधाम के पास में वो कार्यरत है सुबह और शाम दोनों समय। स्कूल की बात आई तो हमने स्कूल बनाया हुकमचंद कॉलोनी में, तो जन सहयोग से लगभग 7 लाख रुपए की राशि हमने एकत्रित की और वहां पर फर्नीचर से लेकर के मध्याह्न भोजन हेतु वहां पर डाइनिंग हॉल बनाया गया, बच्चों के नीचे पर नर्सरी स्कूल बनाया गया, तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं वहां जुटाने का काम किया। इस मौके पर पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि इंदौर में काम बढ़ रहे हैं, गांव को इंदौर में शामिल करना पड़ा, हमारे यहां पार्टी आधारित चुनाव होने की पद्धति हो गई है, गांव में भी पार्टी आधारित चुनाव हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्षदों का भी एक ट्रेनिंग कैंप होना चाहिए, पार्टी यह काम करती है मगर इसके सुझाव हम दे सकते हैं। अभी हमने देखा जैसे गांव तक हम पहुंच गए, गांव के कुछ वार्ड में वार्ड बना के उनको इंदौर में शामिल करना पड़ा। अब वो पहले पंचायत से चलित होते थे, वहां के निर्णय पहले पंचायत में लिए गए, अब उनको नगर निगम में शामिल होने के बाद वो नगर निगम के नियमों में लेना पड़ेगा, बात इतनी बढ़ गई है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो वास्तव में हमारे परिषद कैसी ये केवल एक बार बैठ के नहीं चलेगा, क्योंकि आज बहुत सारे मुद्दे आए हैं, बहुत लोगों ने अच्छी बात रखी है। मैं केवल उसमें कहूंगी कि एक प्रमुखता से बात आई, एक तो कुशल मित्र ने जो बात रखी तो मैं कहूँ उसका भी विचार, क्योंकि नगर निगम का जो अधिनियम जो नियम बने हुए हैं, कई बार जैसे मैं संसद में बोलती थी कि मैं, क्योंकि भाई संविधान की किताब संसद पंक्ति से ही हाथ में दी जाती थी, एक बैग भर के हमें दी जाती थी, मैं इसलिए बोल, तो मैं सबको बोलती थी कि भाई इसको भी थोड़ा तो देखना पड़ेगा, पूरी नहीं पड़े, इतना अभ्यास हम नहीं कर सकते, संसद को भी समय नहीं रहता, मगर प्रमुख प्रमुख बातें जैसे अगर कोई बिल पास करना हो तो कम से कम उस रात को बैठ के बिल पास करने की प्रक्रिया देख के जा सकते, क्यों हो सकता है। तो वैसे थोड़ा सा ये बात आपकी खुशी मिलना चाहिए, नगर निगम अधिनियम जो बनेंगे, नए नियम बनते हैं और नए तरीके से काम भी करना, तो गोविंद मालू जी का भी प्रस्ताव ठीक है, उस पर और अपनी बात करें, एक आज एक बात करके नहीं, मगर जो पार्षद चुन कर आते हैं पार्टियों, अब हमारे यहाँ ये पद्धति को भी पार्टी आधारित चुनाव करते हैं, हम चाहे नहीं चाहे कोई बना, पहले गांव में होता था कि पंचायत क्यों सबके मिल के बनती है, सरपंच सबका माना जाता था, धीरे धीरे वहां भी अब पार्टी आधारित चुनाव हो गए, अब जो हो गए हम रिवर्स में जा सकते हैं कि नहीं, ये एक अलग बात है, आने वाले नेता याद है तो करे, लेकिन ये हो गया, अब ये होना चाहिए, हमें इसका आग्रह पकड़ना पड़ेगा, और इसलिए आज हमारा काम समाप्त नहीं होता। जो पार्षद पहले तो कैसे होना, तो पार्षद तो जनता चुन करके देती है, टिकट तो हर पार्टी देती है, और एक बात होती है कुछ भी करो जीतने वाले को टिकट, ये मेरा अपना अनुभव है कि हम कोशिश करते भाई जो जीतने वाला है उसको दे दो, क्योंकि हमें संख्या भी चाहिए, एक बात होती है। तो ये कहीं ना कहीं पार्टियों पर हम जिम्मेदारी भी डालें, हम भी उठा सकते हैं वो जिम्मेदारी, कई सामाजिक संस्थाएं काम कर रही है, मैं अभ्यास मंडल सी पी आर डी और भी ऐसे लोगों की तरफ देख रही हूँ कि पार्षदों का भी एक ट्रेनिंग क्या बिल्कुल होना चाहिए, चुनाव जीतने के बाद होता है कि किस प्रकार आप काम करोगे, कैसे काम आपको करना है, ये तो होना चाहिए, पार्टी भी इसको आयोजित करती है, मगर पार्टी भी इसको कैसे करे इसके भी सुझाव हम सब लोग मिलकर के दे सकते। मीडिया से चर्चा में पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि हमारे जनप्रतिनिधि कैसे हो, उन्हें काम कैसे करना चाहिए, ये चर्चा होनी चाहिए, परिचर्चा में कई अच्छे सुझाव सामने आए हैं। आज ये जो कार्यक्रम यहाँ पर कि हमारी परिषद कैसी रहेगी या कैसी होना चाहिए, क्योंकि इंदौर में नगर निगम के अब चुनाव होना है, आज नहीं तो 2 महीने बाद होना है,
तो मैं सेवा सुरभि के हमारे अतुल सेठ जी या हमारे प्रेस के अरविंद जी पीछे खड़े हैं सभी, इनको वास्तव में धन्यवाद देती हूँ कि ये चर्चा होना ही चाहिए, क्योंकि इंदौर अब छोटा शहर नहीं बचा है, और छोटा हो बड़ा हो जनप्रतिनिधि हमारे कैसे होना, उन्होंने काम कैसे करना चाहिए, ये चर्चा जनता ने भी और उससे भी ज़्यादा जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनमें होना चाहिए। आज उस प्रकार की ये पहले हुई है चर्चा कि हमारी परिषद कैसी होना, महापौर डायरेक्ट चुना जाता है और महापौर चुना जाता है वो 5 साल के लिए होता है, तो जो सुझाव आए हैं कि एक बार वो महापौर चुना जाने के बाद उसने राजनीति से ऊपर उठ के काम करना पड़ेगा, शहर के लिए काम करे, संस्थाओं के साथ मिल करके लोगों से सुझाव लेते हुए बहुत अच्छे अच्छे सुझाव आए। और मैं चाहूँगी ये जो आज यहाँ पर एक पहली बैठक हुई, मगर ये सिलसिला चलता रहे, चलता इसलिए रहे कि जब जनता में या संस्थाओं में इस बात की चर्चाएं शुरू होगी कि हमारी परिषद कैसी होना चाहिए, क्या उसके दायित्व है, क्या नगर के लिए आवश्यक है, महापौर कैसे होना चाहिए, ये सब चर्चा जब शुरू होगी तो अपने आप जो, क्योंकि चुनाव जो होना है अब पार्टी आधारित ही होना है, मगर जो पार्टियां हैं प्रमुख पार्टियां हैं उनके भी प्रमुख इस बात पर विचार शुरू करेंगे कि हमें कैसे लोगों को लड़ाना है, क्या अपेक्षा है जनता की, इंदौर की जनता क्या चाहती है, ये अपने आप होता जाएगा। और इस दृष्टि से और इंदौर आने वाला इंदौर किसके हाथ में हमें देना है, ये जो एक चर्चा शुरू हुई मुझे बहुत अच्छा लगा। इंदौर प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद तिवारी ने कहा कि शहर की भावी परिषद से जनता की क्या अपेक्षाएं हैं, इस पर एक विस्तृत संवाद परिचर्चा में हुआ है। सेवा सुरभि और इंदौर प्रेस क्लब ने मिलकर आज एक परिचर्चा का आयोजन किया था कि भविष्य में नगर निगम चुनाव होना है तो कैसी हो हमारी परिषद। इसको लेकर आज इंदौर के राजनीतिक दलों के नुमाइंदों, विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, शहर के बुद्धिजीवियों और शहर से सरोकार रखने वाले लोगों ने हमारी पूर्व सांसद लोकसभा की अध्यक्ष रही सुमित्रा महाजन की अध्यक्षता में एक फोरम पर बैठे और इस शहर की भावी परिषद से जनता की क्या अपेक्षाएँ हैं इस पर एक विस्तृत संवाद हुआ है। और सुमित्रा जी ने कहा है कि ये सारा एक बहुत अच्छा प्रयास है सेवा सुरभि का, इंदौर प्रेस क्लब का, और इसे निरंतर जारी रखना चाहिए नगर निगम चुनाव तक। तो हमारा प्रयास रहेगा कि अलग अलग संस्थाओं के साथ मिलकर इस तरह का आयोजन नगर निगम चुनाव के पहले तक करते रहें ताकि जनता की क्या अपेक्षाएँ हैं, जो उसकी भावी परिषद है, नया महापौर जो है उससे जनता क्या अपेक्षा रख रही है, अपने क्षेत्र के पार्षद से जनता की क्या अपेक्षाएं रहती है, इस बारे में लोगों के विचार खुलकर सामने आ सके। आज ये बात भी सामने आई कि कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों और जनता के बीच में संवाद का अभाव है, ये बात भी आज सामने आई। तो सुमित्रा जी ने कहा है कि मेरी जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा है और जो नए पार्षद चुने जाने वाले, नया महापौर बनने वाला है, वो जनता से संवाद रखे ताकि उसे शहर से जुड़े मुद्दों की मैदानी जानकारी, मैदानी हकीकत मालूम पड़ सके, क्या वास्तविकता ये मालूम पड़ सके, विशेषज्ञों की सेवाएं नगर नियोजन से जुड़े मामलों में ली जाना चाहिए, ये बात भी सुमित्रा जी ने आज कही है। और हमारा प्रयास रहेगा कि यह अभियान निरंतर जारी रहे। परिचर्चा में पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल, पूर्व सभापति अजय सिंह नरूका, पार्षद छोटे यादव, राजेश बिडकर सहित कई राजनेता व सामाजिक संस्था के पदाधिकारी शामिल हुए। देखा जाए तो परिचर्चा में यह बात निकल कर सामने आई है कि जनता और प्रतिनिधियों में संवाद का अभाव है। एमपी न्यूज़ के लिए अरुण यादव की रिपोर्ट।